तो आप देख रहे हैं बागेश्वर बाबा पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट पर। यहां पर देखें आप कितनी भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं बाबा के स्वागत के लिए। देखें कितनी संख्या में यहां पर मीडिया के कैमरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर को तेज प्रताप की सेना वहाँ पर बाबा को घेरने वाली थी, ऐसा बयान भी पहले आ चुका है। तो यहाँ पर देखें कोई भी नहीं आया है बाबा के विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर तो सभी बाबा के समर्थक ही पहुँचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में बाबा बागेश्वर को यहाँ पर घेरे हुए हैं और उनका स्वागत, उनका अभिनंदन यहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के साथ मनोज तिवारी यानी सिंगर और बीजेपी सांसद हैं, वह भी बाबा के साथ यहाँ पर हैं और वह खुद ड्राइव भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर यहाँ से सीधे जाएंगे पटना के पनाश होटल में वह रुकेंगे और उसके बाद शाम को वह पटना के तेजपाली मठ में वहाँ पर जो कथा होने वाली है वह कथा आज से सुचारू रूप से स्टार्ट होगी। तो वहाँ पर भी भक्त वहाँ पर काफ़ी संख्या में कई दूसरे राज्यों से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं बाबा का हनुमत कथा सुनने के लिए। तो आप देखें तमाम जो वहाँ पर बाबा का विरोध करने वाले थे वह तो यहाँ पर नहीं आए और वो जो बाबा के समर्थक है वह काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं। तो पुलिस को अपने हाथों की चैन बनाकर वहाँ से बाबा की जो गाड़ी हैं वह यहाँ से निकल रही हैं। और देखें आप कितना भारी स्वागत यहाँ पर बाबा का किया जा रहा है, मीडिया के हजारों कैमरों ने बाबा को घेरे हुए हैं। तो देखिए कितना भव्य स्वागत यहाँ पर बाबा बागेश्वर का किया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर महाराज जरूर लिखें।